देखो याद रखना, ना तो हमें उसे हाथ लगाना है और ना ही उसे अपना हाथ देना है। हाँ, वो बहुत बुरी है, अपना हाथ मत देना। अब जो करेगा भाव करेगा, वो किसी भी वक्त प्रेम के शरीर को अपना बना लेगा और फिर उसे कोई नहीं हरा सकता, और यहां तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। संध्या बेटा, अब क्या करें? अब मैं तुम सबको पायल बना के तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगी, फिर सारे मिलके साथ में थिरकना। चम 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 चम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे और परिवार को वापस लेकर आऊंगी। सुना तुमने? मम्मा, वो चले गए। संध्या, बेटा अब क्या करें? बेटा, बेटा, डरना मत, तुम हिम्मत रखो, ओके? अपने दिल और दिमाग की सुनो, जो दिल कहता है, वही करो। बाजू हट। ए, जल्दी हाँ बोल, नहीं तो इन दोनों को मार दूंगा, और उसके बाद तेरी माँ को भी यहाँ लेके आऊंगा, उसको भी मार दूंगा। आ, नहीं। प्रेम, ये बस तुम्हें डरा रहा है, डरना मत। तुम मत डरना। लगता है तुम दोनों की भी बोलती बंद करनी पड़ेगी। ए, देख अभी भी हाँ कर दे, अभी तो इनकी बोलती बंद की है। धीरे धीरे आंख, दिमाग, दिल सब बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा। तो चल मेरे साथ। नहीं, इनको छोड़ो। नहीं, पहले मुझे तेरा शरीर चाहिए। जब तेरा शरीर मुझे मिल जाएगा, उसके बाद इनको छोड़ूंगा। बोल, मंजूर है तुझे? तू बहुत शक्तिशाली है ना, तू ऐसे कायरों की तरह छिप क्यों रही है? सामने आ, मैं भी तो देखूं मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली है कौन। आ, सामने आना। संध्या, संध्या, तूने मुझे सामने तो बुला लिया, पर अब तू जानती नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। Ha 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 ha
मेरे पास आ। पापा, आंटी। आएगा मेरे पास के नहीं। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मेरे परिवार के लिए तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कौन सा प्यार, कौन सा परिवार? वो परिवार जो पायल बन चुका है, और जिस बेटे के लिए तू लड़ रही है उसको तो भाव ले गया। मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी और अपने परिवार को भी बचाऊंगी। नहीं ला पाएगी तू। तू मुझे अभी जानती नहीं है। जानती हूँ तुझे भी और तेरे अतीत को भी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ पुरुषों ने बहुत गलत किया है। मुझे सच में बहुत दुख हुआ तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर। पर इस दुख में भी कोई तो ऐसा होगा ना जो तुम्हें खुशी देता होगा, जिसे तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करती हो। था कोई जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मधुर। पर जिस राजा के दरबार में मैं नर्तकी थी, उसी ने मेरे प्यार को मार डाला। जब किसी ने मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? किसी ने मेरे प्यार को नहीं समझा, मुझे दिया तो सिर्फ दर्द। अब वही दर्द मैं इस दुनिया को दे रही हूं, और अब तुम लोगों की बारी है। कार्तिक, संध्या! नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
सात सदियों बाद इंसान का शरीर मिला है। आज मैं फिर जिंदा हो गया। सदियों से इस दिन का इंतजार था मुझे। आज वो दिन आ गया। आज मैं फिर आ गया। इस समय बहुत खतरा है संध्या। जानती हूँ कार्तिक, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मैं वो किताब लेकर आती हूँ जिसे देखकर रेखा आत्माओं को बुलाती थी। शुक्र है किताब सामने ही रखी थी। हम सबको उसका ध्यान करना होगा। रेखा इसी किताब की मदद से आत्माओं को बुलाती थी। इसमें आत्माओं को बुलाने की विधि जरूर लिखी होगी। हाँ, मिल गई। इसमें लिखा है कि हमें जिस भी आत्मा को बुलाना है उसके बारे में हमें सोचना होगा, उसका ध्यान लगाना होगा। लेकिन संध्या बेटा, वो आत्मा अगर आ गई और उसने हमारे साथ कुछ गलत किया तो? हाजी, वैसे भी कौन सा हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। आज ही अगर हमने उसकी आत्मा को नहीं बुलाया और फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे? हमें मधुर की आत्मा को बुलाना बहुत जरूरी है। एक मधुर ही है जो इस रसिका को समझा सकता है। दरवाजा खोलो, अपने आप बाहर आ जाओ। मैं तुम लोगों को बहुत सुकून की मौत दूंगी। डरो मत आस्था, मैंने दरवाजे पर सुरक्षा चक्र बना दिया है। रसिका अंदर नहीं आ सकती है। संध्या, दरवाजा खोल दो। मैं जल्दी से उसे बुलाने की कोशिश करती हूँ। लगता है तुम लोग बाहर नहीं आओगे। लगता है तुम लोगों को अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। संध्या, सुना तूने? ये डर की आवाज है। अब भी वक्त है, बाहर आ जाओ, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संध्या, जल्दी मधुर की आत्मा को बुलाओ। सबके मरने से पहले एक बार परिवार को आखिरी बार बचाने की कोशिश कर लेते हैं। हे शिव जी, हमारी मदद करना। भूल चुक हो तो माफ करना। हम सबको उसका ध्यान करना होगा, उसी के बारे में सोचना है। मधुर, तुम जहां भी हो अभी हमारे सामने आओ। हम तुम्हारी आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, हमारे सामने आओ। संध्या, तू बाहर आ रही है या इसे मार दूं? मधुर, हमारे सामने आओ। छोड़ो मुझे प्लीज। संध्या, आवाज सुनाई दे रही है इसकी? ये डर की आवाज है। बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। लगता है तेरी भाभी को तेरी कोई फिक्र नहीं है। छोड़ो मुझे प्लीज। लगता है तेरे मरने का वक्त आ गया है। जब तक हम उसे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे वो अंदर नहीं आ सकती। हमें इसको अंदर आने का निमंत्रण देना होगा। रसिका, अंदर आओ, अंदर आओ रसिका। मधुर, अरे उदास क्यों है? खुश हो जा, तेरे शरीर में भाव आया है, भाव। अरे तू मुझसे हार गया तो क्या हुआ? तूने मुझे जिता दिया, मेरी जीत तेरी जीत।
मैं तुम्हारी बात मानी, अब तुम इनको छोड़ दो। छोड़ दूं? नहीं। भाव एक बार किसी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। तुमने जो कहा मैंने किया ना, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या करना है? विधि विधान अभी पूरे नहीं हुए हैं, आखिरी पड़ाव बाकी है। इस विधि विधान को पूरा करने के लिए मुझे इन दोनों को खत्म करना होगा। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो मुझे नहीं रोक सकता। अब बोल, तू इनकी मौत अपनी आंखों से देखेगा या आंखें बंद करेगा? तुम बहुत बुरे हो। भूल गया मैंने क्या कहा था? तेरी माँ ने अपनी जगह मुझे दी है, तो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें चोट दिए बिना मैं इनको बचा सकता हूँ। पापा और रेखा आंटी मम्मा के पास चले जाए। मधुर। हाँ रसिका, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। तुम अपने दर्द में इतना कैसे बदल गई रसिका? तुम्हें याद है जब हम दोनों साथ में थे, कितना प्यार था तुम्हारे दिल में, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी और गलत के खिलाफ लड़ती थी, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन अब तुम बहुत बदल गई हो। जिन लोगों से तुम नफरत करती थी आज तुम खुद उनके जैसी बन गई। हाँ मैं बदल गई हूँ। हाँ बहुत प्यार था मेरे दिल में, पर लोगों ने इस प्यार में दर्द भरा है और कुछ नहीं। और वही दर्द तुम दूसरों को दे रही हो, क्या इससे तुम्हें मुक्ति मिली, शांति मिली? नहीं ना, तो छोड़ दो ये सब और चलो मेरे साथ। रसिका फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, थाम लो इसका हाथ। रसिका मैं जहां से आया हूं ना वहां कोई दर्द नहीं है, हम दोनों भगवान के चरणों में रहेंगे एक दूसरे के साथ। रसिका हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता है, तुम्हें मिला है, जाओ थाम लो इसका हाथ, चली जाओ इसके साथ। संध्या तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलाया, मेरे मधुर से मिलाया। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान भाऊ से तुम्हारे बेटे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करे। अब तो हमारी फैमिली वापस आ जाएगी ना मम्मा? हाँ बेटा। कार्तिक नीचे चल के देखते हैं, आजी आइए। आओ रूही। चलेंगे अब
संगत प्रेम और रेखा नहीं है। बाबी जी, पापा जी, आई, आप सब ठीक हो गए? आप लोग वापस आ गए? आई, थैंक यू शिव जी। संध्या बेटा, मैं तो सबसे मिलने आई थी, अब मिल ली, अब दिल को तसल्ली होगी। अब मैं चलूं? विनायक भी घर आया होगा, और अगर भाऊ के बारे में कुछ पता चला ना तो मैं खबर कर दूंगी। आज ही जल्दी बताइएगा। अपना ख्याल रखना। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? क्या 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 बोल रहे हैं? जोली, जोली अंकल, पायल कहाँ है? कहाँ है वो पायल? जोली जी, अब सब ठीक हो चुका है, प्लीज डरिए मत। अरे कौन हो तुम लोग? जोली जी डरिए मत, हम सब ठीक हो चुके हैं। कहाँ है पायल? अखिल बेटा, इनको अंदर ले जाओ। कौन हो तुम लोग? चलिए चलिए चलिए। एए, कौन है? संध्या बेटा, अंगद प्रेम और रेखा वो लोग कहाँ हैं? आई, अभी जी, अंगद प्रेम और रेखा को। ये कैसी आवाज है? मैं देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब सब यहीं रहेगा, मैं देख के आती हूँ। चलो कार्तिक। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये मत भूल कि तू अपना सब कुछ खो चुका है, यहां तक कि अपना शरीर भी, और तू जानता नहीं अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। किसी के डर से कराने की आवाज आ रही है। देखते हैं। कौन है?
देखा? देखा? अंकल, थैंक गॉड अंकल तुम वापस आ गए। रेखा तुम ठीक हो ना? रेखा मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, ठीक हो ना? अंकल थैंक गॉड तुम वापस आ गए, तुम दोनों वापस आ गए। प्रेम प्रेम कहाँ है? हाँ प्रेम कहाँ है अंगद? प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? कहाँ है प्रेम? अंगद तुम प्रेम को भाव के पास छोड़कर आ गए? अंगद वो भाव मेरे प्रेम को अपने वश में कर लेगा। मुझे मेरा प्रेम चाहिए अंगद, जाओ मेरे प्रेम को लेकर आओ, जाओ अंगद, मुझे मेरा प्रेम चाहिए। वो भाव वो मेरे प्रेम के साथ पता नहीं क्या करेगा। मुझे मेरा प्रेम चाहिए अंगद, मुझे मेरा प्रेम चाहिए। संध्या अगर मेरे पास में होता मैं मर जाता लेकिन प्रेम को वापस भेज देता। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मैं जानती हूँ क्या हुआ? क्या हुआ? पापा जी, भाव की आत्मा प्रेम के शरीर में घुस गई। मैं कुछ नहीं कर पाया संध्या, मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रेम! मुझे मेरा मम्मा कितना डर गई थी बेटा, अगर तू नहीं आता तो मैं तो खत्म ही हो जाती, मैं मर जाती बेटा। लेकिन प्रेम तुम वापस कैसे आ गए? भाव ने तुम्हें जाने कैसे दिया? पापा आपके आने के बाद भाव अपनी पूजा पूरी नहीं कर सका, उसे मेरा शरीर नहीं मिला तो वो मेरे अंदर से निकल गया। मुझे पता था मेरा प्रेम मुझे वापस मिल जाएगा। नहीं संध्या एक मिनट, पहले लेट मी मेक श्योर कि ये प्रेमी है ना? हाँ संध्या एक बार श्योर हो जाता है। मम्मा? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू मेरा प्रेम ही है। संध्या मैंने और अंगद ने खुद देखा था भाव को प्रेम की बॉडी में जाते हुए, बस एक बार प्लीज। प्रेम बेटा आंटी के पास जाओ। तो जैसे पिद्दे लड़के से भाव कभी नहीं हारेगा। तो फिर बोलो क्या करोगे? अभी तो मैं तुझे तेरा शरीर वापस कर रहा हूं, याद रखना मैं फिर आऊंगा, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं हारा नहीं हूं। आ,
रेखा, रेखा क्या हुआ? क्या हुआ रेखा? नहीं हार्दिक, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो गई है। मुझे लगता है मैं बहुत वीक हूँ, इसलिए ठीक से कुछ नहीं देख पाई। पर ये मेरा प्रेमी है ना? हाँ, ये मेरा प्रेमी है ना? मैंने प्रेम की बॉडी से भाव को निकलते हुए देखा। मेरा बच्चा, मम्मा, भाव का काम नहीं हुआ ना? तो वो बहुत गुस्से में है, बोल रहा था वापस आएगा। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब भाव कुछ नहीं कर पाएगा। वो कैसे मम्मा? बेटा, वो आपको पता है ना कि भाव के शरीर के 6 टुकड़े हैं। हमें पता चल गया है कि भाव के शरीर के 6 टुकड़े कहाँ दफनाए गए हैं। हम बहुत जल्दी उन तक पहुँच जाएंगे और फिर भाव खत्म हो जाएगा। फिर वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं। बेटा, ये सब कब तक खत्म होगा? मॉम डोंट वरी, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मुझे कुछ मिला है, कुलदेवी की मूर्ति। मैं अभी लेकर आती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। प्रेम भैया, आपको पता है मैं ना ओल्ड लेडी बन गई थी, है ना? ऐसे कांसे थी। और वो रसिका, वो तो ना बहुत बुरी थी। ये देखिए, ये हमारे कुलदेवता की मूर्ति है और इसके पीछे ये 6 निशान है। अगर हमें इनका मतलब समझ में आ जाए तो हमें यही भाव के शरीर के 6 टुकड़े मिलेंगे, जो मुझे आजी ने बताया। हमें इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। रेखा, क्या तुम इसका मतलब बता सकती हो क्या? कि सूरज, चांद, धरती, पेड़, संदूक और गुफा, इन सब का क्या मतलब है? नहीं संध्या, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें इन निशानों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तुम कुछ करो ना रेखा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। शिव जी, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज मुझे उनके पास भेजो। मैंने रेखा को झूठा सच दिखाया ताकि उसे ये यकीन हो जाए मैं ही प्रेम हूं, क्योंकि मेरा विधि विधान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सुबह सूरज उगने से पहले मुझे वो पूरा करना है। ये शरीर सिर्फ अगले सूर्योदय तक ही मेरे पास है। मुझे संध्या को मेरे शरीर के टुकड़े जलाने से रोकना होगा। पिछली बार जब दादाजी आए थे रेखा, तब उन्होंने इस मूर्ति की तरफ इशारा किया था। आई होप दादाजी इस बार आए तो कुछ जरूर बताएं। शायद प्रेम के जरिए आना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। आज फिर कोशिश करते हैं, क्या पता वो आ जाएं और हमें इन निशानों के बारे में कुछ बता दें। दादाजी आइए। दादाजी, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आइए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। दादाजी प्लीज आइए और हमारी मदद कीजिए। रेखा, दादाजी, आप जब पिछली बार आए थे, तब जब हमने आपसे भाव के शरीर के 6 टुकड़ों के बारे में पूछा था, तब
आपने हमें इस मूर्ति की तरफ इशारा किया था। हमें इस मूर्ति पर वो निशान तो मिले हैं दादाजी, लेकिन हम उसके मतलब नहीं समझ पाए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? भाव, प्रेम, इसका मतलब क्या है? ये चीख कैसी थी रेखा? मैं देखती हूँ। दादाजी आइए। रेखा, पर अभी तो वो यहीं थे, अचानक से क्या हो गया उन्हें? मैं कोशिश करती हूँ। ओम नमः शिवाय। दादाजी प्लीज आइए। नहीं संध्या, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक पा रही। कोई बात नहीं रेखा, ठीक है, हम सुबह ट्राई करेंगे। मैं सुबह आती हूँ। हाँ, कल दोबारा कोशिश करेंगे। दादाजी ने भाव और प्रेम लिखा है, क्या मतलब है इसका? कहीं भाव की वजह से प्रेम किसी खतरे में तो नहीं? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बारे में बताया था। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने अपनी संध्या को तेरे कुल देवताओं तक पहुँचाया है। अब उसकी मदद से मैं अपने शरीर के 6 टुकड़ों तक पहुँच जाऊंगा। अब तो बता मुझे, उन संकेतों का क्या मतलब है? तेरे पूर्वजों ने मेरे शरीर के टुकड़े कहाँ कहाँ छुपाए हैं? तुम यहाँ अकेले सो रहे हो और वहां आस्था तुम्हें अपने पास बुला रही है। प्रेम के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, वो बहुत डरा हुआ होगा। संध्या, कहाँ जा रही हो? मैं प्रेम के रूम में जा रही थी। इतना सब कुछ हो रहा है घर में, वो बहुत डर रहा होगा ना। कोई डर नहीं रहा, सो रहा है, वहीं से आ रहा हूँ मैं। सो रहा है? नहीं, पर मुझे फिर भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं... फिक्र मत करो, हम उसे नहीं संभाल रहे, वो हमें संभाल रहे, प्रेम की मम्मी। रिलैक्स। पर वो है तो बच्चा ही ना। उस बच्चे ने भाव को हराया है। चलो चल के आराम कर लो। क्या हुआ संध्या? मुझे लगा कोई था यहाँ। तुम ये रुको। वहां कोई नहीं है। पर मुझे तो लगा कोई था।
कोई भूत? संध्या, अगर घर में कोई भूत आता तो प्रेमिया रेखा को पता चल गया होता, है ना? चलो